हेलो फ्रेंड्स, कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था प्रीवियस क्लास में कि कॉम्प्लेक्स नंबर 11 क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स को किसके फॉर्म में हम लिखते हैं, कैसे फॉर्म में होता है, याद होगा जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई वी, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वी आई वाई। फिर हमने आयोटा देखा था, आयोटा की वैल्यूज देखी थी। देन आफ्टर हमने 5.2 के कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना, 5.1 के हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम देखेंगे 5.2। 5.2 में क्या चीज आने वाली है, सबसे पहले मॉडुलस, आर्गुमेंट, मापांक, कोणांक, ठीक है। तो उसके हम फॉर्मूले देखते हैं क्या क्या दिया और कैसे नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले हमारे मॉडुलस की, इसकी बात कर रहे हैं मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस मतलब क्या हुआ अपने पास, किस तरीके से फॉर्मूला है सीधा कि आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट, जो भी आप कहना चाहें, ना, जैसे बुक में आर्ग्यूमेंट भी नाम है, एम्पलीट्यूड भी नाम है, आर्ग्यूमेंट। तो जो और ये हो गया अपने पास मापांक, हो गया हिंदी में मापांक, और ये क्या हो गया कोणांक, ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास कोणांक। तो कोणांक यानी टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, या थीटा इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इस चीज को भी हम इस फंक्शन को भी कहते हैं इनवर्स फंक्शन। तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, एक ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, एक ही बात, क्लियर, दो चीज है आपके इसमें, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको आने वाली है, है ना, पहली चीज हो गई मॉडुलस, r इक्वल्स टू r इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मॉडुलस कोणांक, tan थीटा इक्वल्स टू y / x, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y / x। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आर्गुमेंट हो गया, उसके बाद हमारे पास यहां निकल अपना जो है पोलर फॉर्म, क्या कहते हैं पोलर, पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म कह लें या फिर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कर सकते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को कहां में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म के लिए क्या होता है, z इक्वल्स टू r इन अ ब्रैकेट, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये पोलर फॉर्म होता है। क्या लिखा है, z इक्वल्स टू r इन अ ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, क्लियर। तो इस तरीके से हम ये हमें 5.2 में ये चीजें देखनी है कि सबसे पहले चीज हमें निकालनी है मॉडुलस, कि मॉडुलस क्या होता है, उसके बाद हमें क्या निकालना है मॉडुलस, मॉडुलस के बाद हमें क्या निकालना है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के बाद हमें क्या निकालना है पोलार, आर्गुमेंट के बाद हमें क्या निकालना है पोलार, ठीक है, और परमानेंट के बाद पोलार निकालना। चलिए ठीक है, हम 5.2 के एग्जाम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, है ना, मॉडुलस निकालते हैं, आर्गुमेंट निकालते हैं, पोलार निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, है ना, पहले हम क्या करते हैं ये निकालते हैं, इसको भी रोक देते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है हमें, हमारा पहला क्वेश्चन है 5.2 का, 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है इसमें, हमें दिया हुआ है कि मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करो। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल्स टू -1 - आयोटा रूट 3, -1 - आयोटा रूट 3, यहां वैल्यू दी हुई है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसे हम सबसे पहले कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करेंगे, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ठीक है, कल हमने देखा था प्रीवियस क्लास में देखा था, हम इसे कंपेयर करेंगे। तो मैंने कहा था रियल नंबर को रियल से कंपेयर करते हैं, वास्तविक को वास्तविक के साथ तुलना करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, काल्पनिक को काल्पनिक के साथ। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको -1, और वही y की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है -√3। अब आपको क्या निकालना है, मॉडुलस और आर्गुमेंट ये निकालना है। तो हम बात करते हैं पहले मॉडुलस की, मॉडुलस यानी r इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी मापांक, ठीक है। तो x और y की दोनों की वैल्यू यहां रख देते हैं, -1 का स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर। तो अपने पास क्या जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया 4, यानी कितना आ गया 2, यानी कितना आ गया हमारे पास इसका मापांक मॉडुलस कितना आ गया हमारे पास 2, ठीक है, मॉडुलस 2 आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, कोणांक भी निकालना है, कोणांक भी निकालना है, ठीक है, यानी कि आर्गुमेंट भी निकालना है। तो आर्गुमेंट क्या कहता है, tan थीटा इक्वल्स टू y / x, तो tan थीटा इक्वल्स टू y की वैल्यू -√3, x की वैल्यू -1, -1 कैंसिल, tan √3 इसकी वैल्यू होती है
60, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू tan 60, tan में होती है 10 में, यार इस तरफ 10 तो इधर भी 10 की वैल्यू होनी चाहिए, तो tan 60, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाता है 60 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर, थीटा प्लस हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये आ गया आपका मॉडुलस नापान, ये आ गया आपका ऑर्गुमेंट कोणांक, क्लियर, ठीक, आप देख लीजिए। उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी के अंदर का पार्ट सेम क्वेश्चन है, वो आप करेंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन से वो आप करेंगे, क्लियर, देख लीजिए, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, चल अब हम आगे चलते हैं, अब हमें क्या निकालना है, ये तो आपने देख लिया मॉडुलस और क्या बोलते हैं आर्गुमेंट मापांक और पूर्णांक किस तरीके से निकालते हैं, ये देख लिया, अब हम क्या निकालने वाले हैं पोलर फॉर्म, है ना, पोलर फॉर्म निकालने वाले हैं ध्रुवीय रूप, है ना, ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम, आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नंबर दिया हुआ है, चाहे मैं फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ध्रुवीय फॉर्म करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, तो हमने पहला क्वेश्चन दिया लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा, तो हमने माना लेट z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये पोलर, ये हमें क्या दिया हुआ है, अभी ये हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म, हमेशा हमें किसके फॉर्म में लिखना है पोलर, तो मैंने अभी बताया था कि पोलर फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने बताया था, है ना, पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको सबसे पहले तो हमारी वैल्यू उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, इसका आप चाहो तो इसको लिख लो ध्रुवीय फॉर्म पे लिख लो z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r का अंदर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप देख सकते हैं पहले वाले की तुलना पहले वाले से करनी है, दूसरे वाले की तुलना दूसरे वाले से, मतलब वही बिना आयोटा वाला के साथ जाएगा और आयोटा वाला आयोटा के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ r cos थीटा इक्वल्स टू 1, दिखाई दे रहा है इसके सामने वाला बिना आयोटा वाला, अब ये आयोटा वाला ये भी आयोटा वाला, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा r sin थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, क्लियर, ठीक। अब हम ये करेंगे यहां पर काम है स्क्वायरिंग इनी वैल्यू को, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग है ना, दोनों पक्षों में वर्ग एवं जोड़ने का, ठीक है, वर्ग एवं जोड़ने का, तो देखिए r cos थीटा इधर और r sin थीटा इधर, तो इस तरफ जोड़ के स्क्वायर होंगे, तो क्या हो जाएगा r cos थीटा स्क्वायर प्लस r sin थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू वाली चीज उधर जाके जुड़ जाएगी, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर, इधर वाली चीज इधर स्क्वायर हुआ, इधर वाली चीज इधर स्क्वायर हुआ और जुड़ गई, उधर वाली चीज इक्वल्स टू उधर वाली चीज, यहां 1 थी तो 1 प्लस यहां माइनस 1 था तो माइनस 1 का स्क्वायर, अब आप इसको जोड़ दो क्या आ रहा देखेंगे, ठीक है, क्या हो रहा देखेंगे, यहां इसका क्या हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये 1 प्लस 1, यहां क्या हो गया r स्क्वायर कॉमन, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, है ना, 10th में हमने पढ़ा है, तो r स्क्वायर इनटू 1 इक्वल्स टू 2, तो r इक्वल्स टू 2, तो r की वैल्यू आ गई रूट 2, r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास रूट 2, हमें इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ r की वैल्यू हमें चाहिए और थीटास की वैल्यू हमें चाहिए, क्लियर, r की वैल्यू चाहिए और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमने निकाली थी यहाँ पर कंपेयर करके वैल्यू, यहाँ r की वैल्यू लिखेंगे और एंगल निकाल लेंगे cos थीटा की वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए आगे क्या लिखा है r cos थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो r की जगह लिख देंगे रूट 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, अब ये किसमें वैल्यू होती है इसकी cos थीटा इक्वल्स टू cos 45 डिग्री यानी पाई बाय 4, तो आप देख सकते हैं थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास पाई बाय 4, क्योंकि ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos से cos को कैंसिल हो जाएगा क्योंकि cos इनवर्स उधर जाकर ये वाला cos इनवर्स हो जाएगा, उल्टा और सीधा cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया पाई बाय 4,
है ना। अब ये cos थीटा के लिए चला आप आ जाता हूं, आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, इसका ये इसका हो गया, अब इसका निकालना है तो क्या होगा, r sin थीटा cos माइनस 1, r की जगह फिर से रूट 2 sin थीटा माइनस 1, sin थीटा माइनस 1 बार रूट 2। अब माइनस 1 बार रूट 2 sin की किसकी वैल्यू होती है, sin 135 की है ना, sin 135 डिग्री की है ना, 135 डिग्री को किस तरीके से लिखा जाएगा, यहां से देखिएगा जो अपने ट्रिग्नोमेट्री में चीजें पड़ी होंगी तो उसके थ्रू करेंगे हम, है ना, डिवाइडेड बाय 3 पावर 4, ठीक है 3 पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4, ठीक है। अब ये sin थीटा की जगह हम ये लिख देंगे, इसकी जगह इस थीटा की जगह हम ये इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे, sin थीटा की जगह वो वैल्यू लिख देंगे, r की जगह हम रूट को लिख देंगे, तो इसका पोलर फॉर्म निकल जाएगा, क्लियर। हम फाइनली करते हैं, तो क्या था, z इक्वल्स टू r इन अ ब्रैकेट cos थीटा प्लस iota sin थीटा, ठीक है, तो z बराबर r की जगह कितना है बराबर रूट 2 हमने निकाला था, ठीक है, cos थीटा की जगह कितना है पाई बाय 4 है ना, cos के लिए निकाला था, प्लस iota sin इसलिए कितना है थीटा की जगह 3 पाई बाय 4 आंसर 3 पाई बाय 4 इसका आंसर 3 पाई बाय 4 इसका आंसर है ना, इसे हम लिख सकते हैं, जब चाहो तो इसको मन और इधर लिख देते हैं, है ना, इस तरीके से z इक्वल्स टू r r की जगह z इक्वल्स टू r की जगह रूट 2 cos वो पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4, ये इसका पोलर, क्लियर, ये इसका पोलर। 5.2 में हमारे पास दो एक्सरसाइज है, सॉरी 5.2 में हमारी दो ही चीजें हैं, एक तो मैंने आपको बता दी क्या कि किस तरीके से आपको ये निकालना है मॉड्यूलस और आर्गुमेंट मापा और तोड़ना, और दूसरी ये है एंगल वाली, ये एंगल वाली वैल्यू मैंने आपको बता दी, देख लीजिए इसको ऐसे करना है, हम और एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे 5.2 के, देन आफ्टर फिर बाकी सेम जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे, ठीक है ना, चलिए अब इसका हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है, बाकी इसके सारे सेम क्वेश्चन हैं तो वो आप सेल्व करेंगे, और हाँ हर चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको सेल्व करनी है, कोई भी डाउट्स हो है ना स्कूल में क्लियर करें, ठीक है, चल और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, z इक्वल्स टू रूट 3 प्लस आयोटा, ठीक है रूट 3 प्लस आयोटा, और इसका भी कोई करना है, क्या करना है पोलर फॉर्म, ठीक है इसका पोलर फॉर्म देख लेंगे हम क्या आएगा, पोलर फॉर्म देखेंगे, चलिए सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से, और सॉरी पोलर फॉर्म के लिए करना है, तो z इक्वल्स टू किसे करेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ठीक है, तो पहला वाला वही रियल का रियल वाले से, और बिना आयोटा वाले से, और आयोटा का आयोटा वाले से कंपेयर करेंगे, तो कर दीजिए तो यहां r cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया रूट 3, और यहां r sin थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया आयोटा वाले वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है आगे चलते हैं, क्या करना पड़ता है मैंने बता दिया आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडेड है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडेड है ना, दोनों पक्षों में जोड़ना है और वर्क करना है, तो क्या हो जाएगा r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, यहां से फिर r स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 है ना, ये क्या हो जाएगा अपने पास 1, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है ना, तो r के वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, r के वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, अब r आ गया तो हम यही वैल्यू से रखेंगे और इसके एंगल से निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा r cos थीटा इक्वल्स टू रूट 3, ठीक है, तो r की जगह हम क्या लिखना है
टू, आर की जगह पे लिखना है टू, तो यहाँ जाएगा टू कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट थ्री अपॉन टू। अब यहाँ पर कॉस है, इस तरफ भी कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस किसकी वैल्यू हो जाएगी थर्टी की, कॉस थर्टी वन बाय टू, थर्टी मतलब पाई बाय सिक्स, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप पाई बाय सिक्स, है ना। ये उल्टा और सीधा इनवर्स, सीधा ये कॉस थीटा इधर भेजे तो उल्टा हो जाएगा, तो सीधा और उल्टा कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हम अगला निकालेंगे, है ना, अगला के लिए क्या आर साइन थीटा की जरूरत है, ये वाला लेंगे आर साइन थीटा इक्वल टू वन, फिर आगे जगह टू लिख देना है साइन थीटा की, हमने निकाली है वैल्यू, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाय टू। अब वन बाय टू में किसकी वैल्यू होती है साइन थीटा इक्वल टू साइन, ये भी थर्टी पाई बाय सिक्स, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ गई पाई बाय सिक्स, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है पोलर फॉर्म लिखना है, तो पोलर फॉर्म क्या करते हैं अपन लिखते हैं जेड इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो z इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास टू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाय सिक्स, यहाँ निकाल दिया हमने, और इसके लिए भी साइन के लिए भी पाई बाय सिक्स देख सकते हैं, साइन के लिए भी पाई बाय सिक्स, है ना, तो आयोटा और साइन पाई बाय सिक्स या पोलर फॉर्म, यह आपका पोलर फॉर्म या आपका ध्रुवीय रूप इसका, है ना, z इक्वल टू रूट थ्री प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये आ गया अपना पोलर फॉर्म, ये अपना कॉम्प्लेक्स समय संख्याओं का ये आ गया ध्रुवीय फॉर्म, ध्रुवीय रूप, ठीक। अब इसी तरीके से सारे सेम क्वेश्चंस हैं, है ना, सेम क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, सेम क्वेश्चंस जो है दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं और लगभग सारे एक ही टाइप के हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है और क्वेश्चन नंबर एट्थ है, ठीक। ये आपका काम, ये आप सॉल्व करेंगे, क्लियर, देख लीजिए क्या है क्या नहीं, किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं। तो फाइव पॉइंट टू यहां पर ही आपकी कंप्लीट होती है, यहां 5.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमें करना है 5.3, ठीक है, तो चलिए 5.3 करते हैं आगे, चलिए अब हम देख रहे हैं 5.3, ठीक है, अब हम करने वाले 5.3। तो मैंने 5.3 में बताया था कि लास्ट एक्सपेरिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की और मिसलेनियस और एग्जांपल्स आपको सेल्फ करना है, विशेष ध्यान से मिसलेनियस एक्सरसाइज और अपने एग्जांपल्स इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको सेल्व करने हैं विशेष ध्यान से। उसके बाद 5.3, तो 5.3 में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म द्विघात समीकरण है और वो भी समय संख्याओं में, द्विघात समीकरण को समय संख्याओं में कैसे करते हैं और के क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं, तो 5.3, ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, इनको सॉल्व करना है, सिर्फ ऑनली लिखा हल कीजिए सॉल्व कीजिए, तो पर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे करना है वो चीज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास x2 + 3 = 0, क्या लिखा है x2 + 3 = 0, हम क्या करते हैं x2 - 3, क्लियर। तो क्या मैं इसको x2 - 3 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 इन रूट, क्लियर, है ना, स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या अब क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, √3 - 1 एक ही रूट के अंदर है, अब इस रूट को थोड़ा सा अलग अलग कर देना क्योंकि रूट तो है ना, अंदर इंटू का तो होगा, आप देख सकते हैं कि रूट अंडर रूट माइनस वन मैंने किसी की वैल्यू बताई थी आपको आयोटा की, ये किसकी वैल्यू हो गई आयोटा आई की वैल्यू, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये √3 आयोटा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई फाइनली आयोटा √3, ये आ गया इसका आंसर। हम ऐसे करते हैं ना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन थी तो डायरेक्ट इक्वेशन से फैक्टर बन गया, एक फैक्टर बन गया आयोटा √3, है ना, और वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल, क्लियर, है ना। क्या किया हमने इसको, मतलब इसी फॉर्म में आयोटा के फॉर्म में ही क्वेश्चन को कन्वर्ट करके हमारा जो वैल्यूज निकलेगी, जो सॉल्व करके वैल्यू निकलेगी वो आयोटा के फॉर्म में निकलेगी। तो क्या किया x2 + 3 उधर भेजा, माइनस का हो गया स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया, इसको मैंने इनटू में अलग अलग लिख के दिखाया आपको, 3 × 3 यही होगा, है ना, 3 × -1 - 3 होगा, फिर उसके बाद दोनों का रूट अलग कर दिया, इस रूट की वैल्यू को हम आयोटा कहते हैं, हमने पढ़ा था, हमने सीधे आगे और क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है। जैसे कि
क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अगला आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, पहले इसे ध्यान से देख लीजिए ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, 2x² + x + 1 = 0 ठीक है ना। तो क्या इसके फैक्टर बन पाएंगे, सबसे पहली चीज तो देखिए 2 × 2 और यहां पे चाहिए x, तो x प्लस एक्स तो 2x और x है, तो यहां अब हमारे फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, तो फैक्टर नहीं बन पाएंगे। तो आपको याद होगा आपने 10th में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जब इसको जमाते हैं ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इससे हम क्या करते हैं abc की वैल्यू निकालते हैं। तो कंपेयर तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, क्लियर ठीक है ना। अब हम क्या लगा देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर -b + √b² - 4ac / 2a, या फिर 10 पे पड़ा हुआ है ठीक है। अब हम वैल्यूज रखते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 + -b² यानी 1 का स्क्वायर 1 4, a की जगह 2, a की जगह 2 और c की जगह 1 अपॉन 2 इनटू a की जगह 2, तो x इक्वल टू -1 + √4 1 √1 - 4 2 = 8 अपॉन 2 2 = 4, x इक्वल्स टू -1 + -, ये कितना बचा √-7 / 4, x इक्वल्स टू -1 + -, फिर इसको ऐसा लिख सकता हूँ √(-1)/4 है ना, ये रूट के अंदर ही है, फिर रूट से अलग कर दूंगा, फिर इसको रूट से अलग कर दूंगा है ना, यहाँ किया था ना मैंने सेम ऐसे, तो यहाँ रूट की तरह अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा वो आयोटा की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू -1 + -, √7 × iota/4। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गया, x इक्वल्स टू -1 + √7/4, एक ये फैक्टर आ गया, और एक प्लस माइनस, प्लस माइनस वाला, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, माइनस वाला क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू -1 - √7/4 आंसर, क्लियर। मतलब हम फैक्टर्स क्या कहते हैं, आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब लास्ट में हमारा ये माइनस वन आएगा ही आएगा है ना, तो कोई भी वैल्यू होगी तो उसमें माइनस रख के आएगा और वो माइनस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा में, वो माइनस हमारा क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा में। जैसे आपने देखा यहाँ माइनस वन आयोटा में कन्वर्ट हो गया, यहाँ आ रहा था माइनस वन वो भी आयोटा में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन होती है। अब पूरे 5.3 में सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, तो पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आप करेंगे। अब सारे के सारे क्वेश्चन नंबर सेम है ना, तो क्वेश्चन नंबर पास हो गए सारे के सारे सेम है पूरे है ना, जैसे कि थर्ड से लेकर 10th तक है ना सेम क्वेश्चन है। तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 to 10 सेम क्वेश्चन ठीक है, सेम क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट से लेकर पूरे सेम के सेम है, तो मैंने फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, अब थर्ड से लेकर 10th तक आपका काम आप सेल्फ करें, क्लियर ठीक। देखिए अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर खत्म होता है, मैंने आपको कहा था कि मिसलेनियस और एग्जांपल्स आप सेल्फ करेंगे, मिसलेनियस और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जांपल्स लगाइए, सारे सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कीजिए, वो आपका काम। तो यहां आज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होता है ठीक है, ओके।